हमारे देश की जेलों में कैद ऐसे लोगों की संख्या काफी ज्यादा है जो कोई जुर्म किए बिना ही महीनों सालों से कैदी की जिंदगी जी रहे हैं। ऐसी खबरें अक्सर आती रहती हैं कि कोई बेगुनाह सालों जेल में रहने के बाद अब निर्दोष साबित होकर बाहर आया है। इसी हफ्ते उत्तर प्रदेश के ललितपुर में भी ऐसा एक मामला सामने आया है। यहाँ के रहने वाले एक शख्स विष्णु तिवारी पिछले 20 साल से जेल में थे, उस जुर्म के लिए जो उन्होंने किया ही नहीं था। 20 साल के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विष्णु तिवारी को रेप और SC/ST एक्ट के तहत मिली आजीवन कारावास की सजा को रद्द किया और उनकी रिहाई का आदेश दिया। कोर्ट ने विष्णु को निर्दोष बताया है, वे बाहर आ गए हैं लेकिन जाएंगे कहां ये उन्हें नहीं पता। आइए बताते हैं क्या है पूरा मामला। ये साल 2000 की बात है। विष्णु तिवारी अपने पिता और दो भाइयों के साथ उत्तर प्रदेश के ललितपुर के एक गांव में रहते थे। उनका पढ़ाई में मन नहीं था, सो स्कूल छोड़ दिया था। पारिवारिक कामों में मदद किया करते थे। उसी साल सितंबर महीने में विष्णु के गांव से 30 किलोमीटर दूर सिलवन गांव की एक दलित महिला ने विष्णु पर आरोप लगाया कि उन्होंने उसका बलात्कार किया। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक महिला के आरोप के बाद विष्णु पर दलित महिला के बलात्कार, आपराधिक धमकी, यौन शोषण आदि को लेकर SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। बाद में एक ट्रायल कोर्ट ने विष्णु को दोषी पाया और आजीवन कारावास की सजा सुना दी। 2003 में विष्णु को आगरा सेंट्रल जेल ले जाया गया। अखबार ने आगरा सेंट्रल जेल के सीनियर सुपरिटेंडेंट VK सिंह के हवाले से बताया कि विष्णु सौम्य स्वभाव के थे, वे अच्छे रसोइये थे, कैदियों के लिए खाना बनाने के साथ ही वे जेल के अंदर साफ सफाई का काम भी देखते थे। उनका आचरण हमेशा से अच्छा था। परिवार से उन्हें बेहद लगाव था, वे अपने पिता से मिलने को लेकर बेसब्री से इंतजार करते थे। करीब 6 साल पहले विष्णु के पिता ने उनसे मिलने आना बंद कर दिया। बाद में पता चला कि उनका निधन हो गया। विष्णु के जेल में रहते हुए उनके भाई की भी मौत हो गई। आज तक से बातचीत में विष्णु ने बताया कि जेल में रहते हुए उनके परिवार के कुल 4 सदस्य चल बसे, वे किसी के अंतिम संस्कार में भी नहीं जा सके। साल 2005 में विष्णु ने हिम्मत करके ट्रायल कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देने का फैसला किया था, लेकिन बात बनी नहीं। फिर 14 साल की सजा पूरी होने के बाद विष्णु ने दया याचिका के लिए मन बनाया। ऐसे में जेल अधिकारी और राज्य के लीगल सर्विस अधिकारी आगे आए और पिछले साल इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। सुनवाई के बाद बीती 28 जनवरी को जस्टिस कौशल जयेंद्र ठाकुर और गौतम चौधरी की बेंच ने कहा कि बलात्कार के मामले में विष्णु दोषी नहीं है। अदालत ने माना कि FIR 3 दिन की देरी से दर्ज करवाई गई थी और जिस महिला के साथ मारपीट किए जाने की बात कही गई थी उसके निजी अंगों पर चोट के कोई निशान नहीं मिले थे। मामला असल में जमीन विवाद का था जिसको लेकर उसके पति और ससुर ने शिकायत दर्ज की थी। विष्णु तिवारी को निर्दोष करार देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा है कि रिकॉर्ड्स और फैक्ट्स को देखते हुए वे आश्वस्त हैं कि अभियुक्त को गलत तरीके से दोषी ठहराया गया था। ऐसे में ट्रायल कोर्ट के फैसले को पलटकर अभियुक्त को बरी किया जा रहा है। इसके साथ ही कोर्ट ने ऐसे केसों में जल्द सुनवाई करने के भी कड़े निर्देश दिए हैं। आज तक से बात करते हुए विष्णु तिवारी ने बताया कि जेल की सजा के दौरान उनके परिवार में 4 लोगों की मौत हो गई। पहले माता पिता गुजर गए और इसी सदमे ने 2 भाइयों की भी जान ले ली, लेकिन उन्हें किसी की भी मौत में जाने नहीं दिया गया। उनका दावा है कि उन्हें जेल से एक कॉल तक नहीं करने दिया जाता था। अपना सब कुछ खो चुके विष्णु को सरकार से अब उम्मीद है कि सरकार उसे आगे का जीवन बिताने के लिए कुछ मदद करे। इस सिलसिले में आगरा सेंट्रल जेल के सीनियर सुपरिटेंडेंट VK सिंह ने TOI से बातचीत करते हुए बताया कि एक ढाबा खोलकर जीवन की नई शुरुआत करने की योजना बना रहे हैं। रिहा होने के बाद विष्णु ललितपुर पहुंचे। आज तक से बातचीत में उन्होंने सिस्टम पर सवाल उठाए। विष्णु ने बताया कि 20 साल जेल में रहने के बाद उन्हें गांव में अजनबी जैसा लग रहा है। उन्होंने कहा तो उन्होंने मुकदमा बनवा दिया, हमें 376 हरिजन एक्ट लगा, 504-506 लगे। हम सब जब से जेल ही चले गए, जेल से बस हम चले गए तो हमारे मान सम्मान तो इज्जत जो गई तो वो तो गई समाज में। हमारा घर बिल्कुल बेकार हो चुका, माँ बाप की 2 भाइयों की अटैक पड़ के मृत्यु हो गई और जो रिकवरी और जो वकील करे उनने भी पैसा खा लिया, किसी ने कोई आर्थिक सहायता कोई मदद नहीं दी हमको। और हम 20 साल से ही इसी उसमें रहे कि हम निर्दोष थे तो निर्दोष ही साबित करेंगे, इसीलिए हमने आत्महत्या नहीं करी, अपना संयम बनाए रखे रहे।
एक गलत फैसले से विष्णु को जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई नहीं हो सकती। उन्हें इस बात की संतुष्टि भर है कि कम से कम वे निर्दोष साबित हुए। और हम उस समाज को ये दिखाना चाहते थे कि उस समाज में हम फिर दोबारा से जाएंगे, उस समाज को हम फिर से बताएंगे कि शायद हम बेगुनाह थे, इसलिए हम आप लोगों के बीच आए हैं और उस समाज को हम ये दिखा रहे। मीडिया से बातचीत में उन्होंने बताया कि असल में 20 साल पहले जमीन और पशुओं को लेकर एक विवाद हुआ था। इसके बाद दूसरे पक्ष ने थाने में शिकायत की थी। थाने में 3 दिन तक FIR नहीं हुई। इसके बाद राजनीतिक दबाव डलवाकर SC ST Act के तहत मुकदमा दर्ज करवाया गया था। मामले को लेकर नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने झूठे बलात्कार के मामले में विष्णु के 20 साल जेल में बिताने को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक कमीशन ने पूछा है कि विष्णु के पुनर्वास के लिए सरकार क्या कदम उठा रहे हैं। मानवाधिकार आयोग ने यह भी पूछा है कि सरकार इतने सालों से क्या कर रही थी। सेंटेंस रिव्यू बोर्ड ने मामले का आकलन क्यों नहीं किया। आयोग ने 6 हफ्तों में उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस से जवाब मांगा है। विष्णु तिवारी के जेल से रिहा होने की खबर वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर कई लोग विष्णु को न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं। प्रशासन और कोर्ट से विष्णु को हर्जाना देने को कह रहे हैं। मामले को लेकर झारखंड BJP प्रवक्ता प्रतुल शाह देव ने ट्वीट कर कहा है कि बड़ा प्रश्न ये है कि विष्णु तिवारी पर गलत आरोप लगाने वाली महिला पर मुकदमा दर्ज होगा, क्या उसे भी कड़ी सजा मिलेगी। न्यूज और सिनेमा की दुनिया से जुड़े विनोद कापड़ी ने ट्वीट कर कहा है कि विष्णु के जीवन के अनमोल 20 साल कौन लौटाएगा, विष्णु के 20 साल बर्बाद करने की सजा किसे मिलेगी और विष्णु को 20 साल का हर्जाना कौन भरेगा। बास्केटबॉल खिलाड़ी और पद्मश्री और अर्जुन पुरस्कार जीत चुकी प्रशांति सिंह ने ट्वीट कर कहा है कि लोग कहते हैं कि समय सबसे मूल्यवान है जिसे कोई आदमी खर्च कर सकता है। विष्णु तिवारी की कहानी बहुत दुखद है। उसने अपने जीवन के 20 साल जेल में उस अपराध के लिए बर्बाद किए जो उसने किया ही नहीं और अब उसके परिवार में कोई नहीं बचा। कई लोगों ने विष्णु के 20 साल जेल में रहने को अन्याय बताया है। लोग कह रहे हैं कि विष्णु के 20 साल लौट कर नहीं आ सकते, ऐसे में उसे कम से कम उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए। कई लोग इस घटना के बाद SC ST Act पर भी सवाल उठा रहे हैं। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी आदित्य ने। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए द लल्लन टॉप। शुक्रिया।